सो टुडेज टॉपिक इज ड्रग अब्यूज एंड ड्रग एडिक्शन. बेटा ड्रग्स क्या है? ड्रग्स चाहे वो आर्टिफिशियल है, सिंथेटिक है, या प्लांट्स में से निकली हुई है, प्लांट से हमने एक्सट्रैक्ट की हुई है, विच अफेक्ट द फिजियोलॉजी एंड फिजिकल स्टेट ऑफ द बॉडी, दैट आर कॉल्ड एज ड्रग्स. दे हेल्प इन क्योरिंग ऑफ वेरियस डिजीजेस. ठीक है, जितनी प्रॉब्लम्स है उनको क्योर करने. बट इफ द ड्रग्स आर यूज्ड अदर देन अवर मेडिकल पर्पसेस, है ना, हमारे को हेल्थ इश्यूज है कुछ, उसके अगेंस्ट हम लें कि भी हमें ये अच्छा लगता है, हमें हमारा माइंड फ्रेश रहता है, इसलिए ये इन कारणों से अगर हम लें ड्रग्स, दैट इज कॉल्ड एज ड्रग अब्यूज. ठीक है, तो ड्रग अब्यूज जनरली उन ड्रग्स के कारण है जिनकी एडिक्शन हो जाती है. राइट, दो टाइप की एडिक्शन होती है, एक होती है साइकोलॉजिकल एडिक्शन, एक होती है फिजिकल एडिक्शन. साइकोलॉजिकल एडिक्शन में तो एक साइकोलॉजी ही है कि हम ना इन ड्रग्स के बगैर ठीक नहीं होंगे, अगर हम ये वाली ड्रग रोज नहीं खाएंगे तो हम अच्छे नहीं रहेंगे, दैट इज साइकोलॉजिकल यू नो एडिक्शन. इट कैन बी क्योर्ड बाय काउंसलिंग. वेयर एज फिजियोलॉजिकल या फिजिकल एडिक्शन जो है, द ड्रग्स विच अफेक्ट द नर्वस सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ड्यू टू विच द बॉडी गेट्स अडेप्टेड फॉर सम टाइम एंड इट रिक्वायर्स मोर अमाउंट ऑफ ड्रग फॉर फर्दर इफेक्ट. ठीक है, वो ड्रग्स जो दिमाग पे असर करे, ठीक है, मेनली, और थोड़े टाइम बाद जो जितने अमाउंट में ड्रग ले रही थी उससे इंसान को कुछ फायदा नहीं होता, देन द पर्सन इट इंक्रीजेस द डोज ऑफ द ड्रग एंड दैट अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम एंड होल ऑफ द बॉडी बैडली. That is called as physiological addiction. And physiological addiction is, you know, it is hard to overcome. Aisa nahi ki impossible hai, but it is hard to overcome. Kyunki wo ekdam nahi, body ekdam adapt ho chuki hai, usi ke anusar hi kaam karti hai. Drugs milengi to maine chalna hai, nahi to maine chalna hi nahi hai. Theek hai? But wo dheere 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 dheere, phir drug de-addiction centers hai. They helps in, you know, curing of this एडिक्शन प्रॉब्लम. राइट, तो कौन कौन सी ड्रग्स है, पहले लिखना नहीं है अभी क्योंकि पहले मैं कुछ और लिखवाऊंगी, ये मैं वैसे ही बता रही हूँ आपको. ड्रग्स की कैटेगरीज कौन सी आ जाती है? ट्रैंक्विलाइजर्स आर, दे प्रोड्यूस कामनेस. हम इनको डिप्रेसेंट या एक्टिवेट स्टिमुलेंट्स नहीं कहेंगे. दे प्रोड्यूस कामनेस, जो हमारे दिमाग में उथल पुथल ये वो चल रही है जिसके कारण बेचैनी बढ़ रही है, तो ट्रैंक्विलाइजर्स क्या करते हैं, उसको काम कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोई लेट अस से ट्रैंक्विलाइजर्स हम एनिमल्स के लिए भी यूज करते हैं, किसी एनिमल को ट्रीट करना है ना, किसी एनिमल को ट्रांसपोर्ट करना है तो हम उसको काम करने के लिए, ठीक है, वो शांत सा होके बैठ जाएगा, नींद नहीं आती है बट वो शांत सा होके बैठ जाता है, फिर हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं, दे आर ट्रैंक्विलाइजर्स. जनरली जो डिप्रेशन में लोग होते हैं, ठीक है, उनका, अगेन मैं कह रही हूँ, कामलेस डज नॉट मीन डिप्रेसिंग द नर्वस सिस्टम, नहीं, दिमाग को थोड़ा सा शांत कर देना, ठीक है, तो ये ट्रैंक्विलाइजर्स जो डिप्रेशन वाले पेशेंट्स है उनको दिया जाता है. जो शाइजोफ्रेनिक्स है, जो हम वी से मैड पीपल, ठीक है, तो उनको भी ट्रैंक्विलाइजर्स, क्योंकि दे मे गेट अग्रेसिव समटाइम, ठीक है, किसी के घर में कोई मिसहैपनिंग हो जाए तो कभी कोई इंसान बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, तो उसको भी शांत करने के लिए ट्रैंक्विलाइजर्स दे प्रोड्यूस कामिंग इफेक्ट. ठीक, जैसे हम, आपने सुना होगा, मतलब नींद के लिए हम कह देते हैं कि वो दे दो, कंपोज दे दो, या फिर एल्प्राजोल दे दो, बट दीज आर नॉट सिडेटिव्स, दे ओनली काम योर माइंड ड्यू टू विच द पर्सन स्लीप्स वेल. ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं ओपिएट्स. ओपिएट्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द ओपियम, पॉपी जो है, ठीक है, उसमें से मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, हीरोइन, कोडीन,
स्मैक, ब्राउन शुगर, है ना, ये सब क्या है, ओपिएट्स है. इनका क्या इफेक्ट होता है, दे आर डिप्रेसेंट्स. ठीक है, बंदा ना नशे में पड़ा रहता है. ठीक है, उसके बाद दे आर सिडेटिव्स ऑल्सो, दे इंड्यूस स्लीप. ठीक है, अनदर इज कि दे इफेक्ट, मतलब जो गलत इफेक्ट है वो तो है हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, बट दे आर स्ट्रॉन्ग एनल्जेसिक्स ऑल्सो, राइट. मॉर्फिन, हम जो है जब सर्जरी होती है किसी की, मेजर सर्जरी है, उसके बाद जो दर्द है, ठीक है, उसके लिए जब बहुत एक्सट्रीम में, फॉर एग्जांपल कैंसर पेशेंट्स है, ठीक है, उस कैंसर पेशेंट ने, हमें पता है कि टर्मिनल स्टेज पे है और थोड़े टाइम बाद थोड़ी लाइफ है, बट उसको पेन बहुत है, तो हम बहुत सारी उसको मॉर्फिन देते हैं ताकि उसको नींद भी आती रहे और उसको पेन से भी रिलीफ मिले. सो सिडेटिव, एनल्जेसिक बट डिप्रेसेंट, राइट, ब्रेन की एक्टिविटी को डिप्रेस कर देता है. उसके बाद है स्टिमुलेंट्स सच एज कैफीन. कैफीन किसमें है, जैसे अभी सुबह सुबह मैंने कहा भी अब मैंने क्लास पढ़ानी है, फटाफट से मिलिए चाय बना दो फटाफट, ठीक है. सो क्या है, व्हाट इज देयर इन द टी, टी हैज स्मॉल अमाउंट ऑफ, ऑल्दो कैफीन बहुत थोड़ी है, बट कैफीन है इसमें, टी में, कॉफी में, इन सब में क्या है, कैफीन है, विच स्टिमुलेट द माइंड, ऑल्दो नॉट गुड बिकॉज इट हैज अदर बैड इफेक्ट्स ऑल्सो. ठीक है, सो स्टिमुलेंट्स में कैफीन जो है एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट है, और भी बहुत चीजें हैं, मैं बताऊं. देन नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा कैनेबिनोइड्स. भांग है ना, जो भांग के प्रोडक्ट्स है, भांग इज कैनाबिस इंडिका या कैनाबिस सैटाइवा. ठीक है, इससे जो मिलता है चरस, गांजा, दीज आर प्रोडक्ट्स ऑफ कैनेबिनोइड्स, दीज आर हेलुसिनोजन्स. भांग पी के लोग क्या करते हैं, दिन में तारे नजर आने शुरू हो जाते हैं, है ना, फिर वही गाना है कि एक के दो, दो के चार दिखते हैं, राइट. तो ये चीज है हेलुसिनेशंस, जो है नहीं वो नजर आता है, दैट आर कैनेबिनोइड्स. ठीक, तो इन सब ड्रग्स को हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं. वन इज साइकोट्रॉपिक ड्रग्स, और दूसरा है साइकेडेलिक ड्रग्स. साइकोट्रॉपिक, जो साइको हमारी साइकोलॉजी है उसको चेंज करे, हम क्या कहते हैं, मूड ऑल्टरिंग ड्रग्स. बहुत अग्रेशन में है वो शांत हो जाता है, जो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है उसको स्टिमुलेंट स्टिमुलेट कर देते हैं. कोई ओपिएट्स जो है, दीज आर सिडेटिव्स, वो नींद लाने में हेल्प करता है, स्टिमुलेंट्स नींद को भगाने में हेल्प करते हैं. साइकेडेलिक ड्रग्स, दीज आर हेलुसिनोजेंस. साइकोट्रॉपिक ड्रग्स में क्या आ जाता है, ट्रैंक्विलाइजर्स, ओपिएट्स एंड स्टिमुलेंट्स. साइकेडेलिक ड्रग्स में क्या आ जाता है, दैट इज कैनेबिनोइड्स, एलएसडी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंगस क्लेविसेप्स परप्यूरिया. ठीक है, अगर आपको याद हो, सो दीज आर साइकेडेलिक ड्रग्स. ठीक है जी, तो अब हम पहले लिख लें, व्हाट आर ड्रग्स, राइट डाउन.
अकॉर्डिंग टू WHO, अकॉर्डिंग टू WHO, ड्रग इज एनी सब्सटेंस, ड्रग इज एनी सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू मॉडिफाई, दैट इज used to modify physiological system, physiological system, or pathological state, or pathological state for the benefit of the recipient, for the benefit of the recipient. ठीक है, ये WHO ने ड्रग की डेफिनेशन दी. उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाइए ड्रग अब्यूज. ड्रग अब्यूज, इफ द ड्रग्स आर टेकन, इफ द drugs are taken for a purpose other than the normal clinical use and which impairs 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 one's physical, physiological, and psychological functions, it is called as drug abuse. Next आ जाइए categories of drugs. ये लिख लो, दो categories, psychotropic and psychedelic. लिख लो ये जल्दी से. First is tranquilizers. मैंने जैसे बताया tranquilizers are the drugs which produce calming effect, calming, calming effect with or without sedation. Sedation मतलब नींद आना, with or without sedation. The drugs which do not, the tranquilizers which do not induce sleep, are first Valium, V-A-L-I-U-M, Valium, Compose, C-A-L-M-P-O-S-E, Compose कहते हैं generally. एंड थर्ड है एल्प्राजोलम, ALPRAZOLUM, एल्प्राजोलम. सेकेंड कैटेगरी आ जाती है सिडेटिव हिप्नोटिक्स.
ट्रैंकुलाइजर्स में ही सेकंड कैटेगरी है सिडेटिव हिप्नोटिक्स। मामी किसमें है? बेटे ट्रैंकुलाइजर्स में एक तो मैंने बताया था विच डू नॉट इंड्यूस स्लीप, दूसरी ओके कैटेगरी ये आ जाती है सेडेटिव हिप्नोटिक्स। दीज आर ट्रैंकुलाइजर्स, दीज आर ट्रैंकुलाइजर्स विच प्रोड्यूसेस कामनेस, विच प्रोड्यूस कामनेस एंड ऑल्सो इंड्यूस स्लीप, एंड ऑल्सो इंड्यूस स्लीप। इसमें एग्जाम्पल आ जाती है बारबिट्यूरेट्स, अनदर इज बेंजो डायजेपिन्स, बेंजो डायजेपिन्स। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट मतलब लाइन में नेक्स्ट पैराग्राफ कर लेना। ट्रैंकुलाइजर्स आर यूज्ड फॉर एनिमल्स, ट्रैंकुलाइजर्स आर यूज्ड फॉर एनिमल्स टू काम देयर अग्रेशन, टू काम देयर अग्रेशन एंड जनरली फॉर देयर ट्रीटमेंट, फॉर देयर ट्रीटमेंट और व्हेन दे अटैक। बेटा कई बार क्या होता है कि भाई किसी जंगल से कोई लोग पहाड़ों में, बहुत ऐसी चीजें हो जाती है, जैसे भव्य ने भी बताया कि भी हमारे वहां तेंदुआ आ जाता है, तो उस केस में ऐसा नहीं कि तेंदुए को मार देते हैं जो भी यू नो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले, वो ऐसे नहीं है कि उनको मारते हैं क्योंकि दैट इज ए क्राइम, तो उसमें वो क्या यूज कर देते हैं सिडेटिव हिप्नोटिक्स। ठीक है, उनमें दूर से इंजेक्शन फेंकते हैं कि ताकि उनमें ये ड्रग जाए और वो सो जाए और फिर उन्हें उठाकर फिर जंगल में या यू नो जू में रखा जाए, जो भी वट एवर इट इज, राइट। सेकेंड पॉइंट और आ जाइए, मतलब ट्रैंकुलाइजर्स के फायदे हैं। Tranquilizers are used for the treatment of schizophrenics. Schizophrenics. Bracket में लिख लेना mad people. और थर्ड है यूज्ड मैड, मैड पीपल, MAD मैड। थर्ड है दीज आर ऑल्सो यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। नेक्स्ट आ जाता है बेटा ओपिएट्स। दो टर्म्स हम करेंगे, एक आ जाता है ओपिएट्स और दूसरी टर्म आ जाती है ओपियोइड्स। क्या फर्क है? ओपिएट्स आर द केमिकल्स obtained from poppy, POPPY, जिसका साइंटिफिक नेम है पेपेवर सोमेनिफेरम। पेपेवर सोमेनिफेरम
ठीक है, आपकी बुक में बेटा डायग्राम दिया हुआ है, वो जरूर बना लेना थोड़ा सा, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ओपिएट्स आर द कंपाउंड्स या केमिकल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेपेवर सोमिनिफेरा। नेक्स्ट आ जाइए ओपियोइड्स, ओपियोइड्स चाहे वो ओपियम से मिली है, मतलब पॉपी से मिली है, या कुछ सिंथेटिक है, वट एवर इट इज, ओपियोइड्स आर द केमिकल्स विच बाइंड्स विथ स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर्स। देखो ओपियम तो पता नहीं कब आया या नहीं आया, बट हमारी बॉडी में वो रिसेप्टर्स पहले से ही प्रेजेंट है, विच बाइंड टू द स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन अवर CNS एंड GIT। GIT की फुल फॉर्म है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, विच बाइंड्स विद द ओपियोइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन अवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। नेक्स्ट आ जाइए, मेन सोर्स फॉर ओपियोइड्स और ओपिएट्स इज लेटेक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अनराइप कैप्सूल्स ऑफ पॉपी। The main component of the latex is opium. Which is strong analgesic, sedative, depressant. Depressant and narcotic. Narcotic means which is banned by our law, whose use other than medicines is banned. That is narcotic. नेक्स्ट आ जाइए हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ओपियम। मैंने यूजफुल तो चलो मेडिसिनल यूजेस आपको बता दिए, एनल्जेसिक मींस पेन किलर, किसी को नहीं पता एनल्जेसिक तो ब्रैकेट में लिख लेना पेन किलर। सिडेटिव विच इंड्यूसेस स्लीप, डिप्रेसेंट आपको पता है। हार्मफुल इफेक्ट्स लिख लीजिए, It slows down digestion by inhibiting secretions of digestive juices. It slows down digestion by inhibiting secretion of digestive juices. Second hai, lowers rate of breathing as well as cell respiration. It causes constriction of pupil.
thus producing blurred vision. साफ साफ नहीं दिखाई देता. Thus producing blurred vision. नेक्स्ट इन जनरल ये हार्मफुल इफेक्ट्स मेन है. नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए कि इट इज स्मोक्ड और ईटन. ओपियम जो है स्मोक और ईटन. ओपियम जो है ना वो रॉ है बेटा, उसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं, उनको प्यूरिफाई करके डिफरेंट ड्रग्स की फॉर्म में यूज किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, ओपियम हैज अबाउट 20 एल्कलॉइड्स. विच कैन बी प्योरिफाइड एंड यूज फर्दर. विच कैन बी प्योरिफाइड एंड यूज फर्दर. The two main, next point करके, the two main derivatives या alkaloids present in opium are, the two main alkaloids present in opium are codeine and morphine. CODEIN, codeine and morphine, MORPHINE. बेटा जो कोडीन है जो कफ सिरप्स में यूज की जाती है, जनरली जो आजकल कोडीन फ्री भी आते हैं, बट कोडीन का फायदा क्या होता है कि जिसको कफ ज्यादा हो रहा है उसको नींद आ जाती है, ताकि उसको बहुत ज्यादा वो, क्योंकि खांसी कर करके उसकी सारी हालत खराब होती है. बच्चा जो है बहुत बेचैन हो रहा होता है, अगर बच्चे को कोल्ड कफ है, नाक बंद है, तो हम उसको क्या करते हैं, कफ सिरप देते हैं, जिससे थोड़ा सा उसको सूदिंग इफेक्ट भी होता है और उसको नींद भी आ जाती है, नींद में थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं. ठीक है, सो दैट इज कोडीन. माइल्ड जो है ये, दिस इज माइल्ड, जबकि जो मॉर्फीन है इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिएट. ठीक है, और मॉर्फीन ही इट इज एसिटाइलेटेड यू नो फॉर्म है, और ये जो है मॉर्फीन जो है इट इज वेरी एडिक्टिव ऑल्सो एंड दस वेरी हार्मफुल. तो स्मैक वगैरह जो है, हीरोइन जो हीरोइन है सेमी सिंथेटिक है. ठीक है, एक है कोडीन और मॉर्फिन, ये नेचुरल है जो ओपियम से मिलती है. उसके बाद एक आ जाते हैं हीरोइन, हीरोइन या स्मैक या ब्राउन शुगर जिसको बोलते हैं, इट इज एसिटाइलेटेड मॉर्फिन, इट इज सेमी सिंथेटिक, हाईली एडिक्टिव एंड If taken in excess, it is lethal also, right? तो लिख लीजिए मॉर्फीन. It is the active principle of opium. It is the most active principle of opium. It is strong analgesic and sedative. It is strong analgesic and sedative. It depresses respiratory center. It depresses respiratory center, comma, causes decrease in blood pressure below normal. Decrease in blood pressure below normal. Comma, stimulates secretion of ADH. And thus less urine output. Next है, as the cells
have low rate of cellular respiration. फिर एरो डाल के लिख लो, लेस यूज ऑफ ग्लूकोज, लेस यूज ऑफ ग्लूकोज बाय सेल्स. और फिर एरो डाल के लिखो हाइपर ग्लाइसीमिया, हाइपर ग्लाइसीमिया. इंक्रीज इन ब्लड शुगर, हाइपर ग्लाइसीमिया मीन्स इंक्रीज इन ब्लड शुगर. नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, कॉन्स्टिपेशन इज द मेन मेन सिम्टम ऑफ ओपिएट एडिक्शन. उसके बाद है कोडीन, इट इज ए नेचुरल ओपिएट. एंड इज एंड केमिकली इज मिथाइल मॉर्फीन. जो भी मॉर्फीन है उसमें अगर एक मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया जाए तो वो बन जाता है कोडीन, एंड इज मिथाइल मॉर्फीन. When we take it in our body, yeah, when it goes in our body, it is partially converted into morphine. हमारी body में जाकर ये methyl group lose कर देते हैं और some of the codeine changes into morphine. Next point है, it is mild analgesic. Mild analgesic and mild sedative. It does not cause addiction. It is a component of cough syrups. It is a component of cough syrups. And again, constipation is the main symptom of opiates. Third आ जाता है बेटा heroin, HEROIN, heroin या smack या brown sugar, heroin. और मां, हाँ जी बेटा, ये सारा ओपिएट्स के अंदर ही लिखना है? ये सब ओपिएट्स के अंदर ही है. थर्ड है हीरोइन, HEROIN, ब्रैकेट में लिख लो स्मैक, SMACK. इसके अंदर लिखो इट इज ए सिंथेटिक ओपिएट, इट इज ए सिंथेटिक ओपिओइड कर लीजिए, it is a synthetic opioid. Second hai, chemically it is diacetyl morphine. Next hai, white colorless, मैंने कहा हीरोइन जो है दैट इज डायएसिटाइल मॉर्फीन, राइट, सिंथेटिक है. इट इज हाईली एडिक्टिव, इट इज, अच्छा मैं बता रही थी इट इज वाइट कलरलेस, नॉट कलरलेस बट इट इज वाइट ओडोरलेस, वाइट ओडोरलेस, बिटर, कड़वी होती है, पता नहीं लोग फिर भी लेते हैं, बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड, बट जनरली ये लोग सूंघते हैं या इंजेक्ट करवाते हैं. इट इज वाइट ओडोरलेस क्रिस्टलाइन कंपाउंड.
विच इज सिंथेसाइज्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन. इट इज जनरली, नेक्स्ट पॉइंट है, जनरली टेकन बाय स्नॉटिंग, SNORTING, स्नॉटिंग मतलब सूंघना, स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन. नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज ए डिप्रेसेंट एंड स्लोज डाउन बॉडी फंक्शंस. स्लोज डाउन बॉडी फंक्शंस. हाईली एडिक्टिव, हाईली एडिक्टिव एंड मे कॉज डेथ ऑल्सो. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा स्टिमुलेंट्स. नेक्स्ट इज स्टिमुलेंट्स. These are the chemicals which stimulate our central nervous system. These are generally non-addictive, but may cause psychological dependence. वो dependence हम खत्म कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है. ठीक है जी. These can be natural or synthetic. These can be natural stimulants or synthetic stimulants. Natural stimulants are mainly of two types. That is caffeine, 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 and cocaine, COCAINE, caffeine and cocaine. पहले आ जाइए caffeine. Mild stimulant. Present in tea leaves, या obtained from tea leaves, comma. Seeds of coffee plant and beans of cocoa, COCOA, beans of cocoa, COCOA. Effects लिख लीजिए. इफेक्ट्स क्या है कैफीन के? फर्स्ट है सेंस ऑफ वेलबींग. सेकंड है
थर्ड है माइल्ड डायायूरेसिस, डायायूरेटिक, माइल्ड डायायूरेटिक मींस इंक्रीजेस यूरिन आउटपुट, माइल्ड डायायूरेटिक बाय इनहिबिटिंग एडीएच सिक्रीशन, बाय इनहिबिटिंग एडीएच सिक्रीशन increases, next point है increases heart output, and increases BMR, next है इट कॉजेज इट डिस्टर्ब्स रीनल फंक्शन, क्योंकि इफेक्ट तो कर ही रही है ना, चाहे वो एडीएच को कोई सिक्रीट करने में या इनहिबिट करने में, इट डिस्टर्ब्स रीनल फंक्शंस, एंड कॉजेज इनडाइजेशन, जो लोग बहुत ज्यादा चाय पीते हैं उनको स्टमक की प्रॉब्लम्स हो जाती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम्स हो जाती है, कॉजेज इनडाइजेशन. नेक्स्ट आ जाता है कोकेन. देखो एक मैंने बताया था कोकोआ, कोकोआ इज कोको पाउडर जो आप केक्स वगैरह में यूज करते हैं, है ना. अनदर इज कोकेन, COCAINE, ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोका प्लांट, COCA, कोका प्लांट, एरिथ्रोजाइलोन, ERYTHERO, ERYTHRO, erythroxylon, XYLON, erythroxylon. Which is कौन सा प्लांट? Erythroxylon, ERY. Coca plant कह देते हैं हम इसको. Erythroxylon. Coca plant. इट इज ए नेटिव ऑफ साउथ अमेरिका. ये प्लांट मिलता कहां पे है? साउथ अमेरिका. नेक्स्ट है इट इज ए स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट, इट इज ए स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट. Which produces a sense of euphoria, बहुत खुशी खुशी लगती है. Which produces a sense of euphoria and increased energy. Energy मिलती कहीं से नहीं है but लगता है हमें, and increased energy. Next है बेटा एक डोपामिन, आपको पता है न्यूरो इनहिबिटर है वैसे ये डोपामिन, जो नर्वस सिस्टम को कुछ फंक्शंस को इनहिबिट करता है, बट ये क्या कर रहा है, कोकेन जो है इट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ, इट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामिन. Neurotransmitter dopamine. Cocaine is commonly called as, जो लोग इसका you know हम कहते हैं कि जो काला धंधा करते हैं या smuggle करते हैं इसको, वो इसको क्या कहते हैं, commonly called as coke या crack. Commonly called as coke or crack. Next है, it is snorted, सूंघते हैं लोग, it is snorted. Next point, important point है ये, excessive dosage of cocaine, star डाल के लिख लेना,
excessive dosage of cocaine causes hallucinations. Hallucinations. ठीक है जी. नेक्स्ट कैटेगरी, मतलब ये तो दो नेचुरल जो थे वो स्टिमुलेंट्स थे. थर्ड आ जाते हैं एम्फिटामिन्स. थर्ड कैटेगरी है AMPHE, एम्फिटामिन्स, MINES, एम्फिटामिन्स. दीज आर सिंथेटिक स्टिमुलेंट्स. दीज आर सिंथेटिक स्टिमुलेंट्स. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुपरमैन. नेक्स्ट है इट इनहिबिट स्लीप. It inhibits sleep, comma, increases alertness and self-confidence. Comma, causes wakefulness, WAKE. जागे रहते हैं लोग, नींद नहीं आती. तो बेटा ये स्कूलों में, मतलब कॉलेजेस स्कूलों में तो नहीं बट जनरली यूनिवर्सिटीज में एंड ऑल दैट, तो लोग जो है, बच्चे जो है ना, ये एग्जाम्स आ रहे हैं, हमने उठना है, तो एम्फिटामिन्स ले लो. और होता क्या है कि जब एग्जाम देने जाते हैं, चार चार दिन पढ़ते रहते बिना सोए बिना सोए, और जब एग्जाम देने जाते हैं तो कुछ याद ही नहीं होता. ठीक है, तो ऐसे एम्फिटामिन लेके क्या फायदा है. और कौन लेता है, ट्रक ड्राइवर्स लेते हैं जिन्होंने रात को ट्रेवल करना होता है कि भी हमें नींद ना आ जाए. बट कितना का ठीक है, आई कांट से. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए. दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज एंटी स्लीप ड्रग्स. एंड दस आर टेकन बाय ड्रग ट्रक ड्राइवर्स हु ट्रेवल ड्यूरिंग नाइट. They do not remove fatigue. थकावट नहीं दूर करते हैं ये. Next है they are used by sports person. To increase alertness. Full stop करके इसी point में लिखना. The metabolism of amphetamines is slow. Therefore, is excreted in urine. For many days, and it is included under dope test. तो urine test कर लेते हैं. Amphetamines आ रही है तो फिर वो player को बाहर निकाल देते हैं. It is included under dope test. DOPE. Next is suppresses hunger. And thus taken by people to reduce weight, जबकि ये बहुत गलत चीज है. और लास्ट है कि स्लो कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन causes increase in confusion. कॉन्टिन्यूअस
continuous consumption for a long time causes increased confusion, comma, nausea and vomiting. Nausea and vomiting. ठीक है जी, तो ये तो हो गए आपके स्टिमुलेंट्स, दैट इज साइकोट्रॉपिक ड्रग्स में आ गए। नेक्स्ट आ जाते हैं साइकेडेलिक ड्रग्स, हेलुसिनोजेंस। इसमें सबसे पहले आ जाइए कैनेबिनोइड्स, कैनेबिनोइड्स। क्या है कैनेबिनोइड्स? विच आर दीज आर द ग्रुप ऑफ केमिकल्स, दीज आर द ग्रुप ऑफ केमिकल्स विच इंटरैक्ट विद द कैनेबिनोइड रिसेप्टर्स, विच इंटरैक्ट विद द कैनेबिनोइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द ब्रेन, present in the brain. ठीक है, next point आ जाइए, cannabinoids are mainly, natural cannabinoids are mainly obtained from inflorescences of plant cannabis sativa, inflorescences of the plant cannabis sativa, bracket में लिख लो hemp plant, H-E-M-P, और भांग, नेक्स्ट पॉइंट है द फ्लावरिंग टॉप्स। जनरली तो हमने कहा इनफ्लोरेसेंसेस, बट द फ्लावरिंग टॉप्स कॉमा लीव्स एंड द रेजिन्स ऑफ कैनाबिस सटाइवा फ्रॉम द फ्लावरिंग, द फ्लावरिंग टॉप्स TOPS कॉमा लीव्स एंड रेजिन्स ऑफ कैनाबिस are used in various combinations, various combinations to produce marijuana, MERIJUANA, marijuana, comma hashish, कॉमा चरस एंड गांजा, एंड गांजा, ये सब हेम्प प्लांट से मिलता है। आपको पता है भांग के पकौड़े भी खाते हैं लोग, भांग पीते भी है, ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, और भांग सूंघते भी है। These are generally inhaled or orally ingested. Generally inhaled or orally ingested. Effects आ जाइए. First है increases blood sugar level. सेकेंड है डायूरेसिस, मतलब इंक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, सेकेंड इफेक्ट है डायूरेसिस। थर्ड आ जाइए डायलेट प्यूपिल, तभी जो है ना वो
डायलेट कर देते तो बहुत सारी रोशनी अंदर जाती है, डायलेट्स प्यूपिल. They are known for their effects on cardiovascular system. They are known for their effect of cardiovascular system. Next है, they may cause uncontrolled laughter और क्राइंग. रोना शुरू करते तो रोते रहते हैं, हंसना शुरू करते हैं तो हंसते रहते हैं, एटसेट्रा. अनदर हेलुसिनोजन इज एलएसडी. इट इज ए, इसकी फुल फॉर्म है लाइसर्जिक एसिड डायाइथाइल एमीन. लाइसर्जिक एसिड डायाइथाइल एमीन. नेक्स्ट पॉइंट है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगस क्लेविसेप्स परप्यूरिया. ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंगस Claviceps purpurea, जिसको हम ergot fungi भी कहते हैं. It is a potent hallucinogen. It is a potent hallucinogen which may cause severe damage to CNS. Next, आ जाइए. Other well-known plants with hallucinogenic properties are, ma'am, a severe damage to CNS, central nervous system. Next, आ जाइए. Other well-known plants with hallucinogenic properties are Atropa belladonna, and Dhatura plant. Atropa belladonna and Dhatura. ठीक है जी. तो बेटा आपने ये भी थोड़ी थोड़ी सी जो डायग्राम सा हल्का सा बना लो, ताकि जब कॉपी खोलो तो आपको दिख जाए. ये देखिए जी, पहले तो ये बनाओ, कैनाबिस सटाइवा भांग प्लांट जो है, इसका ये थोड़ा सा लीव्स के बनाओ. और फिर ये, क्योंकि ये जो है ना बेटा, धतूरा की फोटो आ गई थी एक बार कि इसमें से कौन सी ड्रग मिलती है, तो हेलुसिनोजन मिलता है, ये आंसर था. पर दोनों बना लो. फर्स्ट इज कैनाबिस सटाइवा, जल्दी से.